अच्छा, तो बेसिकली जो हमारा ब्रेकफास्ट सर्च होता है वो बेसिकली क्या कहते हैं? अच्छा, हमारा जो बेसिकली ब्रेकफास्ट सर्च होता है वही हमारा एक तरह से प्रिंट लेवल ऑर्डर होता है, ठीक है? तो अगर हम क्या कहते हैं, यानी लेवल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम जो प्रिंट करवाएंगे वो 3 को प्रिंट करवाएंगे, सही है? फिर अगले लेवल में आएंगे तो 6 7 प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद अगले लेवल में आएंगे तो 1 4 8 प्रिंट होंगे। तो 3 6 7 अगर इसको हम कंपेयर करें, सही, पहले आउटपुट दिखा दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है? तो सबसे पहले 3 6 7, सही है, सही है, 3 6 7 आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 4 8, तो ये हमारे पास 3 6 7 1 4 8 आ गया, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, सही है, ठीक है, हाँ, तो क्या कहते हैं, हाँ सही, प्रिंट लेवल ऑर्डर, हम मैंने ब्रेकफास्ट सर्च के फंक्शन को प्रिंट लेवल ऑर्डर का नाम दे दिया, सही है। इसके अंदर हम रूट नोड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सही है, ये चीज़ हो गई। और 1 सेकेंड रुकना। अच्छा, तो क्या कहते हैं, इसके अंदर एक कंडीशन और डल जाएगी कि, सही है, ठीक है, सही है, पब्लिक कर दो इसे आसानी के लिए, अगर मसला है। 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ सही है, आ जाओ यहाँ पर, कहाँ पे, ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेता हूँ, चलो, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। हमारा जो बेसिकली प्रिंट लेवल ऑर्डर है, इसके अंदर हम रूट नोड पास करेंगे, सही है। एक हमने इनिशियल बस चेक लगाया हुआ है कि रूट नोड अगर नल हो तो प्रिंट कर देना कि रूट नोड इज़ एम्प्टी, सही है, वरना आगे की चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास प्रिंट लेवल ऑर्डर के अंदर दो चीज़ें, ब्रेकफास्ट सर्च के ना हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हमारे पास क्यू का मेथड होता है कि उसमें हम क्यू यूज़ कर लें, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास होता है किसका था, हाँ उसमें ना हमें उसमें असल में मसला ये था, उसमें लाइक हमें क्या कहेंगे, उसमें ना हमें हाइट चाहिए होती थी, सही है। तो हाइट कैलकुलेट, तो मुझे बेसिकली ये ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो मैंने पहले भी ये करा था, यही बता दे रहा हूँ, सही है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, हमने एरे लिस्ट की ना क्यू बनाई है, ठीक है। हम डायरेक्ट ना क्यू की लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। अभी हम एरे लिस्ट को इम्पोर्ट करवाना पड़ता है जावा के अंदर, सही है, यहाँ पर, तो हम वो भी हम ये करना मुझे ज़्यादा आसान सही लग रहा था, क्योंकि क्यू को फालतू में कर सकते हैं, अगर क्यू को यूज़ करना चाहो, सही मर्जी है, ठीक है। वैसे एरे लिस्ट से काम हो जा रहा, कोई ऐसा खास काम नहीं। फिर क्यू की क्लास भी ना थोड़ी सी, क्यू के फंक्शन शायद थोड़े से एक्सप्लोर करने पड़े इस तरह करके, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, प्रिंट लेवल ऑर्डर। अच्छा, हाँ सही है, हमने रूट यहाँ चेक कर ली, उसके बाद हमने ना एक एरे लिस्ट बनाई है क्यू के नाम से, ठीक है। अच्छा, उस क्यू के अंदर हमने सबसे पहले पहले लेवल की ना सारी नोड्स ऐड करवा दी, लेकिन पहले लेवल में हमें पता है, यानी पहले लेवल से मतलब लेवल 0 है, ठीक है। ये लेवल 0 होगा रूट नोड का, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, ठीक है। तो हमने लेवल 0 की सारी नोड्स ऐड करवा दी क्यू के अंदर इनिशियली, लेकिन लेवल 0 पे हमें पता है सिर्फ रूट नोड होती है, तो हमने बेसिकली सिर्फ रूट नोड ऐड करवाई है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कैसी लाइन प्रिंट करवा दी मैंने कि ब्रेकफास्ट सर्च है, इसके आगे सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर आउटपुट देखा हो तो पता नहीं, 1 सेकेंड, ठीक है, इस तरह, यानी ब्रेकफास्ट सर्च आ जाएगा, इसके आगे सारी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ना हम क्या करते जाएंगे, एक लेवल को प्रिंट करेंगे या एक नोड को प्रिंट करेंगे, उसको निकाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद अगली नोड्स को ऐड करते जाएंगे और इस तरह प्रिंट करवाते हैं, सही। जो प्रिंट हो जाएगी नोड, सही है, उसको हम रिमूव करवा देंगे, सही है। तो एक टाइम आएगा कि हमारी सारी नोड्स प्रिंट हो जाएंगी, और सारी नोड्स क्या होंगी, हमारे क्या कहते हैं, क्यू से रिमूव हो चुकी होंगी, प्रिंट होने के बाद रिमूव हो चुकी होंगी। तो
तो हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी। तो हमें प्रिंट असल में कब तक करवाना है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, सही है? ठीक है, ये चीज़ यानी ठीक है। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये नॉट एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है नॉट के लिए, ठीक है। तो इसको चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो डायरेक्ट इस तरह करके, सही है, फॉल्स कर लेना डायरेक्ट सिंपल, कि क्यों अगर हमारी एम्प्टी नहीं है, सही है, इसको भी चलाएंगे चल जाएगा। एक सेकेंड, सही है, अभी भी चल जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि अगर क्यू हमारी, हम चेक करेंगे क्यू इज़ एम्प्टी, हमारी हमने रूट ऐड कर चुके हैं 3 को, सही है। तो रूट हमारी क्यू हमारी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स आ जाएगा, सही है, ये फॉल्स के बराबर होगा और वाइल का लूप हमारा चलने लग जाएगा, ठीक है। हम एक टेम्प नोड बनाएंगे, ठीक है। टेम्प नोड के अंदर हमने क्या करा कि हमारी जो क्यू थी, सही है, एरे लिस्ट, हमने क्यू को जो बेसिकली हमने क्यू हमने ना एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली, और उसको नाम दिया हुआ क्यू का, सही है। हमारे पास हम क्यू की भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि एरे लिस्ट से हमारा काम हो जा रहा है, सही है। एक क्यू को अगर हो सकते हैं नेट पे कहीं पे देखो तो वहाँ पे क्यू को इस्तेमाल करते हुए दिखे तुम्हें, सही है। तो क्यू को इस्तेमाल करने का कोई उतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, सही है। अच्छा तो सही है, ठीक है। हाँ कहाँ, यहाँ टेम्प नोड, सही है। हमने सबसे पहले एक टेम्प नोड बनाया, सही है, और उसके अंदर हमने जो क्यू का जो फर्स्ट नंबर पे यानी स्टार्टिंग पे जो सबसे पहले मौजूद होगा उसको हम गेट करेंगे, सही है, और उसको टेम्प नोड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे हमारी कौन सी नोड थी, 3 थी, उसको हमने टेम्प नोड के अंदर डाला, सही है, और उसकी वैल्यू हमने क्या करी, प्रिंट करवा दी, सही। उसके बाद हमने क्या करा, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड था, सही है, 6 को, उसको इन क्यू करवाया, ठीक है, अपनी क्यू के अंदर, सही है। हम लेकिन उससे पहले चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट चाइल्ड जो है वो मौजूद है कि नहीं, सही है। तो अगर वो नल नहीं होगा तो उसको ऐड करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नल नहीं था, 6 मौजूद था तो ऐड हो गया था। इसी तरह हम फिर राइट चाइल्ड को क्या कहते हैं, इन क्यू करवाएंगे यानी 7 को, सही है। राइट में भी नल मौजूद नहीं है, सही है, 7 मौजूद है तो ऐड हो जाएगा 7, सही है, ये हो गया। अच्छा अभी इनिशियली हमारा 0 पे क्या मौजूद था, 3 मौजूद था, और हमने 6 को भी ऐड कर दिया, 7 को भी ऐड कर दिया, अभी हमारी 3 नोड्स ऐड हैं। लेकिन प्रिंट हम किसको करवा चुके हैं, हम इनिशियली यहाँ पे प्रिंट करवा चुके हैं किसको, 3 को, ठीक है, सही है। यहाँ पे हमने 3 को इनिशियली प्रिंट करवा दिया था, ठीक है। तो 3 का काम ख़त्म हो गया, अब हमें 6 और 7 को प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू डॉट रिमूव कर देंगे, सही है, 0 पे, तो 0 पे कौन था, 3 था, वो रिमूव हो जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ पे हो सकता है कोई तुम में से कोई एरे वगैरह यूज़ करने लग जाए, तो यहाँ पे एरे नहीं यूज़ करना, क्योंकि एरे लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्योंकि एरे लिस्ट एक तरह से लिंक लिस्ट की तरह होती है, ठीक है। तो जब 3 हट जाएगा ना तो फर्स्ट नंबर 0 इंडेक्स पे ना 6 आ जाएगा, सही है। हमने सबसे पहले 3 को क्यू में ऐड करवाया था, 3 को प्रिंट करवाया, सही है, 3 को प्रिंट करवाने के बाद 6 7 को ऐड करवाया, 6 7 को ऐड करवाने के बाद हमने 3 को यहाँ पे एंड में रिमूव कर दिया, सही है। तो हमारा ऑटोमेटिकली 6 जो है ना वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, सही है, ठीक है। और कोई, इसीलिए हम असल में एरे लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, सही है, यहाँ पे एरे को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर एरे को यूज़ करोगे तो सबको पीछे लाना पड़ेगा, सही है। 0 इंडेक्स को रिमूव करने के बाद अगर ये 1 और 2 इंडेक्स पे होंगे, इनको 0 और 1 पे लाना पड़ेगा, सही है। तो खैर एरे उसमें घुसने की ज़रूरत है ही नहीं, एरे लिस्ट हम सिंपल यूज़ कर रहे हैं, सही है, मैनेजिंग ये कर रहे हैं, सही है। हमें हमेशा जो 0 इंडेक्स पे होगा उसको गेट करना है, सही है। हमने 3 को सबसे पहले क्यू में ऐड करवाया, प्रिंट करवाया, फिर इसके चाइल्ड्स को ऐड करवा दिया एरे क्यू के अंदर, ठीक है। फिर 3 क्यू के प्रिंट हो चुका था, 3 को निकाल दिया, ठीक है, 0 इंडेक्स पे अब 6 मौजूद है, ठीक है। क्यू में अब सिर्फ लेवल क्यू में से लेवल 0 निकल चुका है, लेवल 1 आ चुका है, और लेवल 1 का जो 0 इंडेक्स है बेसिकली यानी 6 जो है वो 0 इंडेक्स पे क्यू के मौजूद है, ठीक है। तो क्यू अभी भी हमारा एम्प्टी नहीं है, ठीक है, हमारा फिर भी वाइल लूप चल हमारा अभी भी वाइल लूप चलेगा। अब हम दोबारा से एक टेम्प नोड बनाएंगे, उसके अंदर हम क्यू डॉट गेट 0 करेंगे, इस बार 0 पे हमारा 6 मौजूद होगा, सही है, 6 हमारा क्या कहते हैं प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
सिक्स हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हम सिक्स के चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड को देखेंगे, उसको इनक्यू करेंगे अगर होगा, यहाँ पे 1 4 मौजूद है, फिर सिक्स के राइट चाइल्ड को इनक्यू करेंगे अगर मौजूद होगा, और सिक्स को रिमूव कर देंगे, फिर हम सेवन को क्या कहते हैं, फिर अभी भी हमारा क्या कहते हैं एंड नहीं हुआ है, सही है, क्यू हमारी अभी भी चल रही है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी लेवल ज़ीरो तो पहले ही प्रिंट हो चुका था, लेवल वन का भी सिक्स तक प्रिंट हुआ, अभी सेवन बाकी है, ठीक है। तो अब क्यू में क्या क्या आ चुका है, सेवन आ चुका है, और सेवन के बाद 1 4 ऐड हो चुका है सिक्स का, और सिक्स के चाइल्ड, और सिक्स जो था वो रिमूव हो गया, तो सेवन और 1 4, तो बेसिकली अब ये तीन मौजूद है, ठीक है। लेकिन ज़ीरो इंडेक्स पे कौन है अब, सेवन, सही है, क्योंकि सिक्स रिमूव हो चुका है। तो जब दोबारा चलेगा तो क्यू का क्या कहते हैं डॉट गेट ज़ीरो करेंगे और उसको टेम्प नोड में डालेंगे, ठीक है। डॉट गेट ज़ीरो पे कौन मौजूद होगा, सेवन मौजूद होगा, सही है, सेवन, हाँ टेम्प नोड में सेवन चले जाएगा, फिर टेम्प नोड की बेसिकली यानी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, सेवन प्रिंट हो जाएगा, सही है। फिर सेवन का लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे है कि नहीं, सेवन का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये चलेगा ही नहीं। फिर सेवन का देखेंगे राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, एट मौजूद है राइट चाइल्ड में, तो क्या कहते हैं सेवन, फिर क्यू में क्या एट, क्यू के अंदर एट ऐड करवा देंगे, सही है, और सेवन को रिमूव करवा देंगे यहाँ पर, सही है। लेवल वन भी हमारा प्रिंट हो चुका, अब तक दो लेवल प्रिंट हो चुके हैं, थ्री, वो सॉरी, दो लेवल प्रिंट हो चुके हैं, लेवल ज़ीरो और लेवल वन, एक मिनट, सही है। अब आखिरी लेवल रहता है लेवल टू, सही है। इसी तरह कर करके अगले, अभी भी क्यों हमारा एम्प्टी नहीं होगा, फिर हमारा ज़ीरो इंडेक्स पे वन आ चुका है, सही है, तो क्योंकि सेवन रिमूव कर दिया था एंड में हमने, आखिर में, इस तरह कर करके ये चलता रहेगा, ठीक है। आखिर में हमारा जब एट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन का कोई चाइल्ड नहीं होगा, तो ये दोनों यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, वन रिमूव हो जाएगा, 4 8 बचेंगे। इसी तरह फिर फोर के लिए जब चलेगा तो फोर प्रिंट होगा, फोर का भी कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐड नहीं होगा, फोर रिमूव होगा यहाँ पे, फिर एट के लिए चलेगा, सही है। आखिर में क्या कहते हैं एट की वैल्यू प्रिंट होगी, एट का भी कोई चाइल्ड नहीं होगा, सही है, यहाँ पे क्यू से एट को रिमूव करेंगे, अब क्यू हमारा एम्प्टी हो जाएगा, तो वाइल का लूप चलना बंद हो जाएगा और सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो चुकी होंगी, सारी वैल्यू, ठीक है, ये सीन है। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारा क्या कहते हैं, सबसे पहले थ्री प्रिंट होना था, सही है, इसको यहाँ पे कर लो, सबसे पहले थ्री, सही है, सबसे पहले यहाँ पे थ्री प्रिंट होना था, उसके बाद सिक्स सेवन प्रिंट होना था, उसके बाद क्या कहते हैं 1 4 और 8 प्रिंट होना था, यहाँ पे भी वही हुआ, थ्री फिर सिक्स सेवन फिर 1 4 8, ठीक है।